चुके हैं और उसका सारांश शब्द डिफिकल्ट वर्ड्स सारे पढ़ चुके हैं। तो आज हम उसके प्रश्न उत्तर पर ध्यान लगाएंगे, है ना बच्चा? यस। तो मेरी पाठशाला कैसे पढ़े आप? कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो मैं हम स्कूल जैसे जाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर दिया गया है, है ना? यस। तो चलो बच्चों, यहाँ पर हम प्रश्न उत्तर पे ध्यान देंगे। चिंटू के उठने में क्यों देर हुई? चिंटू के उठने में क्यों देर हुई? चिंटू को उठने में क्यों, रात को वो देर से सो गया था इसलिए उसको उठने में देर हो गई। चिंटू की पाठशाला में कितने अध्यापक हैं? चिंटू के पाठशाला में 3 अध्यापक हैं। कितने? 3। पाठशाला में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं? पाठशाला में कितने कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं? आप सभी को मालूम है आपको कौन कौन से विषय पढ़ाए जाता है बच्चों? यस, जैसे कि इनको भी 5 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, विज्ञान, गणित, हिंदी, इंग्लिश, है ना? तो चिंटू की पाठशाला में कितने छात्र हैं? चिंटू की पाठशाला में 35 स्टूडेंट्स हैं। चिंटू को कौन सा खेल पसंद है? चिंटू को गेंद का खेल पसंद है। गेंद खेलने से क्या लाभ है? गेंद खेलने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो बच्चों, इसके आंसर्स में इमेजेस आपको कॉपी करती हूँ, आप इनको देख को लिखो बच्चों। तो पढ़ो और समझो। नेक्स्ट क्या है? पढ़ो और समझो। पहले हम क्या पढ़े अब? प्रश्न उत्तर। इनका मैं क्या आंसर्स भेजती हूँ, आपको देखकर कॉपी करो। प्रश्न उत्तर हुआ अभी। क्या है? पढ़ो और समझो। वर्दी यानी समवस्त्र, यूनिफॉर्म, वी कॉल इट इन इंग्लिश यूनिफॉर्म। कक्षा यानी वर्ग, क्लास। ये हुए पढ़ो और समझो। नेक्स्ट विलोम शब्द। कौन सा विलोम शब्द? अच्छा बुरा। क्या है विलोम शब्द? अच्छा बुरा। ज्यादा कम। पसंद नापसंद। पसंद नापसंद। हार जीत। तो ये हुए विलोम शब्द। ए ई। नेक्स्ट अन्य लिंग वचन लिखो। छात्र छात्राएं। अन्य लिंग यानी सॉरी अन्य लिंग यानी लड़का या लड़की ऐसे। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग। यहाँ पर छात्र दिया गया है, छात्र यानी लड़का, छात्राएं यानी लड़कियां ऐसे। अन्य लिंग रूप। छात्र छात्राएं। मैं यहां पर आंसर्स लिख रही हूं बच्चों, क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है इसलिए इसका आंसर्स मैं दे रही हूं। आप पेंसिल लेकर अपनी टेक्स्ट बुक में लिखो बच्चों, बाद में अपनी फेसबुक कंप्लीट करो। छात्र छात्राएं। अध्यापक अध्यापिका। अध्यापक अध्यापिका बच्चों। नेक्स्ट थर्ड वन लड़का। यस, इसका अन्य लिंग रूप क्या है? लड़की, आप सभी को तो मालूम है। फोर्थ वन चाचा। चाचा की पत्नी को क्या कहते हैं? चाची। फिफ्थ वन दादा दादी।
स्तन बालक बालिका। तो यह अन्य लिंग रूप में लिखो, छात्र छात्राएं, अध्यापक अध्यापिका, लड़का लड़की, चाचा चाची, दादा दादी, बालक बालिका। तो ये हुए छह शब्द। नेक्स्ट, पढ़ो और सही या गलत चिन्ह लगाओ। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स आपको लिखना है, तो टेक योर पेंसिल एंड राइट विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। सवेरे जल्दी उठना चाहिए, तो हमें सवेरे जल्दी उठना चाहिए कि देर से उठना चाहिए? सवेरे हमें जल्दी उठना चाहिए, सो दिस इज ए ट्रू आंसर। तो हमें क्या करना है, ये सही लिखना है। मैं यहाँ पर आपको आंसर्स लिख के भेजती हूँ। यहाँ फर्स्ट वन सही, सेकेंड रात में देर तक टीवी देखना चाहिए। तो हम तो पढ़ाई करते हैं, तो हमें रात तक टीवी देखना है क्या? जल्दी सोना है। यस, हमें जल्दी सोना है। यहाँ पर गलत दिया गया है ना, तो सेकेंड वन आंसर इज रॉन्ग। खेल में हमेशा जीत होती है, हम खेल में हमेशा जीतना चाहिए कि हारना भी होना है? यस, खेल में तो जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकती है, तो ये गलत है। पढ़ाई के साथ साथ खेलना चाहिए, तो हमें पढ़ते पढ़ते खेलना भी चाहिए बच्चों, तो दिस इज ट्रू। ये हुए चार सही और गलत। नेक्स्ट, इन शब्दों के एक वचन रूप लिखो। यहाँ पर बहुवचन के शब्द दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इनको एक वचन के रूप में लिखना है। पहले इनको क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक में पेंसिल से मार्क करो, फिर बाद में आगे जाएंगे हम। नेक्स्ट, अध्यापिकाएं अध्यापिका, हम सिंगुलर सेंटेंस में क्या लिखते हैं, अध्यापिका एक वचन, एक वचन बहुवचन। यहाँ पर अध्यापिकाएं दिए गए हैं, मैं आंसर्स बोल रही हूँ, अध्यापिका क्या है, अध्यापिका। नेक्स्ट, पाठशालाएं, तो यहाँ पर बहुत सारे पाठशालाएं हैं, तो हमें एक वचन में क्या लिखना है, पाठशाला। पाठशाला। थर्ड वन कहानियां, यहाँ दिया गया है, तो हम एक वचन में कैसे लिखते हैं, कहानी, एक कहानी। नेक्स्ट फोर्थ वन मालाएं, मालाएं तो बहुत सारे मालाएं हुए, तो मालाएं कहते हैं, एक माला, एक माला को क्या कहते हैं, मालाएं। यहाँ पर एक हुआ तो माला, ऐसे हम एक वचन में यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर टेक्स्ट बुक लिखे बहुवचन में दिया गया है बच्चों। नेक्स्ट, इन शब्दों से खाली जगह भरो, क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन में से हम शब्द चुनकर ये सेंटेंस पूरा करना है। तो पहला, डैश जाता हूँ, क्या, डैश जाता हूँ, तो यहाँ पर कौन सा शब्द हमें चुनना है, मैं जाता हूँ, कौन सा शब्द, इन शब्द को खाली जगह भरो। खाली जगह भरो, पहला मैं जाता हूं, मैं खाली केवल आंसर लिख रही हूं बच्चों, आपको क्या करना है, पेंसिल लेकर लिखना है टेक्स्ट बुक में।
सेकंड डैश खाना खाइए। यहाँ पर कौन सा शब्द आपको चुनना है? यहाँ पर चार शब्द दिए गए हैं, मैं, तुम, आप, वह। मैं तो यहाँ पर पहला हुआ है, सो सेकंड वन क्या है? आप खाना खाइए। बहुवचन में ये तो एक वचन हुआ, सेकंड वन बहुवचन, आप खाना खाइए। तीसरा डैश इधर आओ, तुम इधर आओ भी लिख सकते हैं, आप इधर आओ भी हम लिख सकते हैं, आपको कौन सा पसंद हो वो लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ वन, डैश खेल खेलता है, कौन खेल खेलता है? वह, यहाँ पर मैं नहीं आता, तुम नहीं आते और आप भी नहीं आता, यहाँ पर क्या आता है? वह खेल खेलता है। तो ये हुए चारों फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट इनको बोलो और अक्षरों में लिखो। आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर्स दिया गया है, गिनती दिया गया है, इन गिनती को अक्षरों में लिखना है। अच्छा बच्चों, इनका आंसर मैं बोलती हूँ, आप लिखते जाओ। इनको बोलो और अक्षरों में लिखो। अक्षरों में लिखो। उदाहरण तीन क्या है? तीन। सेकंड फर्स्ट वन ट्वेंटी, ट्वेंटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बीस। क्या कहते हैं? बीस। नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव, पच्चीस। क्या कहते हैं? पच्चीस। नेक्स्ट फाइव, पांच। फाइव यानी पांच। नेक्स्ट नाइन यानी नौ, नाइन यानी नौ। नेक्स्ट एट, व्हाट वी कॉल इन हिंदी एट? आठ। क्या? आठ। टेन, टेन दस, हम हिंदी में दस बोलते हैं। नेक्स्ट ट्वेंटी टू यानी बाईस। बाईस। नेक्स्ट सिक्सटीन, सोलह। एटीन, अठारह। तो ये हुए अक्षरों में लिखना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गिनती भेजती हूँ, आपको क्या करना है इनको लिखना है। अभी आपको अपनी टेक्स्ट बुक में कॉपी करो, बाद में इनको देखकर आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करो। तो ये है आज मेरी पाठशाला, इसके एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्या कर पढ़ेंगे? नेक्स्ट पार्ट। तो तेनालीरामा आपका स्टोरी आपको पढ़ चुके हैं, बहुत सारे कृष्णदेवराय और तेनालीराम के बहुत सारे स्टोरियां कहानियां आपको मालूम हो चुका है। तो आपको क्या करना है बच्चों, तेनालीरामा कृष्णदेवराय के बारे में आपको घर में यूट्यूब में उनके सारे कहानियां आपको ढूंढ ढूंढ कर पढ़ना है, उसका कहानियां आपको देखना है, देखकर उस कहानी से हमें क्या शिक्षा प्राप्त मिलता है, हमें क्या शिक्षा मिलती है, उनके बारे में आपको ध्यान लगाना चाहिए बच्चों। तो नेक्स्ट लेसन कौन सा है?
कृष्णदेवराय का जनता का संगम, कौन सा? जनता का संगम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपको क्या करना है, अपनी फेसबुक कंप्लीट करना है। सभी बच्चे फेसबुक नहीं कंप्लीट कर रहे हो, इनको मार्क्स है आपको, इसलिए आपको अपनी हिंदी फेसबुक पूरा कंप्लीट करना है और इसका व्हाट्सएप हमें भेजना है। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे, थैंक यू।